नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको सबसे पहले बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी की अहम बैठक जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना भवन में ये बैठक जो है फिलहाल जारी है। जानकारी आपको यहां पर दे दें, सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल। विभागों में बचे हुए बजट पर जो चर्चा है वो यहां पर की जा रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा होगी, सीएम योगी की अहम बैठक जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, योजना भवन में ये बैठक हो रही है, बैठक जारी है, जानकारी फिलहाल मिल रही है। सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद, विभागों में बचे हुए बजट पर चर्चा यहाँ पर की जा रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 जनवरी को तैयारियों पर चर्चा और विकास कार्यों की भी जो समीक्षा है वो यहाँ पर की जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योजना भवन में ये बैठक हो रही है, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनुप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुप, विकास कार्यों को लेकर जो समीक्षा है इस बैठक में यहां पर की जा रही है, बैठक अभी जारी है, क्या कुछ जानकारी? और देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। योजना भवन में बैठक चल रही है। दो महत्वपूर्ण बड़े मुद्दे हैं, एक तो जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है जिसको लेकर तैयारी चल रही है, उस पर किसकी जिम्मेदारी किस विभाग को देना है उसको लेकर एक बड़ी बैठक है। दूसरी बैठक को लेकर के जो अगले माह में फरवरी माह में जब बजट का जो सत्र आने वाला है जिसकी लेकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं, वित्त विभाग की अगले महीने फरवरी में जो बजट सरकार पेश करेगी तो उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है कि किस विभाग ने अब तक कितना बजट विकास कार्यों में खर्चा किया है या किस विभाग के पास कितना बजट शेष रह गया है, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि आगामी बजट से पहले जो विभागों के पास जो बजट है उसको एक जो योजनाएं हैं उनके समुचित उसमें खर्च किया जाए, ताकि जो विपक्ष हर बार ये आरोप लगाता है कि सरकार पुराना बजट नहीं खर्च कर पाई है और नए बजट के लिए नया बजट विधानसभा में सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, तो इन सब चीजों को लेकर के आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल अनुप, हालांकि विकास कार्यों को लेकर भी समीक्षा जो है वो यहाँ पर मानी जा रही है कि इसमें समीक्षा यहाँ पर की जाएगी, और जाहिर तौर पर अभी योजना भवन ये जो बैठक है फिलहाल चल रही है, जो जैसी जानकारी यहाँ पर मिल रही है, और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी जिस तरीके की तैयारियां हैं उसको लेकर भी कोई खास चर्चा इस बैठक में? बिल्कुल, अयोध्या को लेकर एक विषय इस बैठक में है, क्योंकि अयोध्या का जो 22 तारीख को जो उत्सव है पूरे विश्व में है उसको और भी अच्छा बेहतर बनाने के लिए सब पूरा दुनिया भी यह समझिए कि सभी लोग इसमें कर रहे हैं, और इस बैठक में के माध्यम से भी जो वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी देना है, या फिर एक तरीके से अलौकिक उत्सव तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो इसको लेकर लगातार तैयारी चल रही। इस बैठक में भी इस बात के को लेकर रखा जाएगा कि किस तरीके से और बेहतर काम हो सके, या फिर जो देश विदेश से जो मेहमान आ रहे हैं उसमें किस मंत्री की कहां पर ड्यूटी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्या किसका काम होगा, ये सब पूरा खाका इस बैठक में तैयार होगा। लेकिन उसके साथ साथ विकास कार्यों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो अब तक का जो बजट है किस तरीके से विकास कार्य में लगा है और कितना बजट शेष रह गया है, जिसको लेकर एक विस्तृत चर्चा होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है, और साथ ही मायावती ने कहा है कि सपा के साथ गठबंधन में बीएसपी के दलित विरोधी चाल चरित्र चेहरे को बदलने की कोशिश भी की थी। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद सपा पुराने दलित विरोधी एजेंडे पर वापस आ गई है। सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन करते हैं बसपा से गठबंधन न रखने की शर्त भी रखते हैं, और साथ ही मायावती ने कहा है कि सपा सरकार के दौरान कई दलित विरोधी फैसले लिए गए।
उधर मायावती के अखिलेश पर किए गए हमले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मायावती को गठबंधन नहीं करना चाहिए था। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी थी और अब वो चलने वाली नहीं है और कहा कि इनका पीडीएस सिर्फ परिवार तक ही सीमित है। आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो और चाहे गरीब हो चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हो के विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात उनका ट्वीट मैंने भी देखा है आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूँ, जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों माफियाओं की पार्टी है, इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है राष्ट्र का भी भला है। वहीं अब शिवपाल ने दरअसल एक्स पर पोस्ट कर केशव मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि स्वयं के संगठन और सरकार में आपकी चलती नहीं, इसलिए इधर नजर बहुत पैनी रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाहर होने के डर से दलदल बदलने का इरादा तो नहीं। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी, सीट बंटवारे को लेकर सपा की बैठक। जी हां, सीट बंटवारे को लेकर यह सपा की बैठक, प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक हो रही है और जानकारी आपको दे दें कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। सीट बंटवारे को लेकर सपा की बैठक जो है वो जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया है। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का जो माहौल है उसे मापा जा रहा है और इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं कि जिले में कौन कितना भारी है, किसका कितना ज्यादा दबदबा है, उसको लेकर भी आज चर्चा हो रही है। बैठक फिलहाल अंदर शुरू हो गई है। अखिलेश यादव भी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है, कई कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। आज भी बैठक है और कल भी बैठक रहेगी, कई दिनों से लगातार बैठकें चल रही हैं। क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का अभी वोट स्तर है कैसे उसको काटेंगे? देखिए, उसको इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस पर बैठक कर रहे हैं निरंतर, लोगों से हर 80 की 80 सीट पे उनका चिंतन मंथन चल रहा है। उसको देखिए काटने के लिए जहां एक तरह वो पाखंडवाद पैदा कर रहे हैं उसे समाजवाद विचारधारा से ही रोका जा सकता है। इस समय संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है। जिस तरह से अभी 22 में अभी देखिए अयोध्या में संतों को बहिष्कार करके केवल होर्डिंग, 3 कैमरा जाएगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, लेकिन संत वहां कोई नहीं जा पाएगा। हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को ही सबसे बड़ा खतरा है इनके पास अब, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, जो अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार, जो नोटबंदी जैसी भ्रष्टाचार से ये लिप्त सरकार जो बेरोजगारी के कागार पे खड़ी कर दी है, अब अच्छत और राम हिंदुत्व के वायरस से केवल वोट भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ चिंतन कर रहे हैं कि आज हमारा पीडीए जो है पिछड़ा, जो है पिछड़ा वही है कि जो हर चीज में पिछड़ा हो, चाहे किसी जात का हो, उसे हक नहीं मिला, उसे आज उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, कहीं बुलडोजर के नाम से, कहीं हिंदुत्व के नाम से एक भय उत्पन्न किया जा रहा है और अच्छत के नाम से इसी पिछड़े को अच्छत के नाम से हिंदू बनाया जाएगा। जब उसको नौकरी देना होगा, उसको शिक्षा देना होगा, उसका हक देना होगा, तो उनको पिछड़े बना के बर्बर लाठियां और बुलडोजर और कैमरा के सामने चाहे गोली मारने का काम हो। आज हमारा संविधान लोकतंत्र खतरा में है। लेकिन आप एक बात बताइए, कांग्रेस के बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब इन दिनों इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसकी वजह है कि तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने उनसे
मेजर सीट से चुनाव लड़ाने की मांग की है और इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है और अगर सोनिया रायबरेली छोड़ती हैं तो फिर उनकी विरासत को कौन संभालेगा, इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया गांधी को दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग की है और इसके पीछे उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को अहम माना जा रहा है। उत्तर भारत में अगर हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो फिर कहीं भी कांग्रेस का अपना सीएम नहीं है। बिहार में कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन है, वहीं दक्षिण भारत में हाल ही में दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। और चलिए अब बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की, क्योंकि राम मंदिर बनने में और प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने में केवल और केवल 14 दिन का समय शेष रह गया है। इस बीच अयोध्या नगरी में जोरों पर तैयारियां जो है वो भी चल रही हैं। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट ने दरअसल राम मंदिर परिसर की नई तस्वीर साझा की है जो कि रात के समय में ली गई है। शेयर की गई फोटो में जटायु की विशाल मूर्ति दिखाई दे रही है और परिसर को भी रोशन किया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, 16 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को किया जाएगा शुरू। सत्रह जनवरी मूर्ति के साथ निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। अठारह जनवरी भव्य प्राण प्रतिष्ठा की विधि होगी शुरू। 19 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अग्नि स्थापना। 20 जनवरी सरयू के जल से गर्भगृह को धोया जाएगा। 21 जनवरी 125 कलशों से होगा रामलला का दिव्य स्नान। 22 जनवरी वृक्षवीरा नक्षत्र में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो अयोध्या में रामलला की वापसी किसी सपने से कम नहीं है। देश में अलग अलग जगहों और शहरों से भक्त राम मंदिर में अपना योगदान दे रहे हैं। कैलिफोर्निया के भक्तों द्वारा दान की गई एम्बुलेंस को आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि ये शव वाहन लोगों की सहायता में काम आएगा। और क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। आतिथ्य भवन परिक्रमा मार्ग अयोध्या ये एक साधु का स्थान है, संत के भक्तों के द्वारा समाज के लिए समर्पित है। संतों की शिष्य मंडली भारत में भी है तो भारत के बाहर भी है, तो उनके शिष्यों ने यहाँ आने वाले सज्जनों के लिए, नागरिकों के परिवारों में कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज पहुंचाना, कहीं और दूर पहुंचाना, उसके लिए एम्बुलेंस, घरों में मृत्यु भी होती ही है तो शव को शमशान घाट पहुंचाना, उसके लिए एक शव वाहन, ये महाराष्ट्र के भक्तों ने नगर निगम को समर्पित किया है। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कई जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि अयोध्या में सभी दीवारों पर रामजी से जुड़ी कई तस्वीरें बनाई जा रही हैं। तो वहीं दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वरदास महाराज को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि
आलिया और रणबीर सिंह को भी निमंत्रण मिला है। वहीं आगरा के रुनकता क्षेत्र के गांव सिंगना में आपको बता दें कि श्रृंग ऋषि का आश्रम है, जहां भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके के कार्यक्रमों का ये विशेष जो तैयारी है वो की गई है। अयोध्या, आगरा और आप देख सकते हैं आलिया रणवीर सिंह बॉलीवुड स्टार्स को भी निमंत्रण जो है मिला है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण है महंत ईश्वरदास महाराज को भी दिया गया है। यहाँ सिंह ऋषि महाराज की जन्मस्थली और तपस्थली जगह है। यहाँ सिंह ऋषि महाराज ने तपस्या की है और जब दशरथ जी के पुत्र नहीं हुए थे तो वहाँ पुत्र कामेष्टि किया तो इनके पुत्र हुए राम लक्ष्मण रसभद्रन। तो शांता कुमारी जो इनकी बड़ी बहन थी वो सिंह ऋषि महाराज को शादी जी। हाँ, 11 मंज के एक साला बना हुआ है जिसमें 100 कुंड बनाया जा रहा है। 1100 जोड़े हवन करेंगे जो वाल्मीकि रामायण से हवन होगी, जिसमें आचार्य मनीषी अपने बनारस से काशी से आ रहे हैं और उज्जैन से लोग ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। और इसमें सीताराम जो आप सामने देख रहे हैं 1008 शिवलिंग की स्थापना होगा, जो नर अवधेश्वर शिवलिंग आ रहे हैं उसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं, जो 9 दिवसीय अखंड सीताराम का जाप होगा। और सारी सुविधा 1008 जो शिवलिंग बनेगा उस पर रुद्राभिषेक पर डे रुद्राभिषेक होगा। कुछ किया नहीं जाएगा। हम 2015 में इसी भूमि पर बहुत बड़ा एक यज्ञ किए थे जिसमें संकल्प लिया गया था कि 10 वर्ष के अंदर यदि राम मंदिर बन जाता है तो उस समय फिर मैं यज्ञ करूंगा। तो वो मेरा 15 का संकल्प है जिसमें बड़े बड़े महारथी अशोक सिंघल जी इत्यादि सब लोग थे और सब लोग साथ संकल्प लिए। 22 जनवरी सभी सनातन धर्मियों से हमारा अनुरोध है कि सब लोग 22 जनवरी को पुनः जिस प्रकार से रामनवमी मनाई जाती है इसी प्रकार से 22 जनवरी को जो भगवान अवतरित होंगे, भगवान की प्रतिष्ठा होगी, हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और उससे पहले एक आप सब लोगों को सूचना, हमारा निवेदन कि सब लोग अपने चारों तरफ कहीं भी गंदगी देखें तो गंदगी को साफ करें, क्योंकि भगवान का अवतरण होने वाला है। 22 तारीख को भगवान पधारेंगे, हमारे जगत नियंता जो सब सरकारों के भी सरकार हैं वो उनका अवतरण होगा। सब लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। सर, यह जो पेंटिंग बना रहे हैं यह भगवान श्री राम की पेंटिंग है। जो कैकई माता थी उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था 14 साल के लिए। जब भगवान श्री राम वनवास से घर आए थे अपने, तो कैकई माता जी से सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया था और कैकई माता जो थी वो भगवान श्री राम को समझा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। स्वागत है आपका अयोध्या में। ये भगवान श्री राम की हम पेंटिंगें बना रहे हैं। अयोध्या के अंदर जितने भी ओवरब्रिज हैं उनके दोनों तरफ हम ये पेंटिंगें बनाएंगे, दृश्य भगवान बनाएंगे भगवान राम के चित्र, जिससे कि यहाँ पर अयोध्या में आने वाले लोगों को उनके बारे में पता चले और प्रभु श्री राम जो कि 500 बरस के बाद अयोध्या में आ रहे हैं उनके जितने भी चित्र हैं अयोध्या आते हुए, उन जैसे उन्होंने अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, तो वो सब चित्र हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। इटावा में इंटरनेशनल स्कूल के दबंगों ने दरअसल प्राचीन मंदिर को किया क्षतिग्रस्त, लोगों में दिखा आक्रोश, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध अखची शराब बनाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध अखची शराब और बनाने के उपकरण बरामद। ललितपुर में बदमाशों ने मां बेटी की हत्या कर लूट को दिया अंजाम, मां पति को गंभीर रूप से किया घायल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा में घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर बस पलटी, 1 दर्जन सवारी हुई घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ट्रकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में चालक की हुई मौत, हादसे के बाद 2 घंटे प्रभावित रहा हाईवे का यातायात। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला, पुलिस की कार्यशैली से नाराज राहगीरों ने जमकर किया बवाल।
औरंगाबाद में खनन माफिया धड़ल्ले से कर रहे मिट्टी का अवैध खनन। डंपर ने गोल चक्कर के स्ट्रीट लाइट में मारी टक्कर। स्थानीय लोगों ने गोल चक्कर के पुनर्निर्माण की कही बात। उधर अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में दो लोगों की। अमेठी में साइबर अपराधियों के चुंगल में फंसा युवक, मोबाइल बीमा बताकर खाते से निकाले 22,000 रूपए। राजगंज में निर्माणाधीन दुकानों के पास मिला अज्ञात युवक का शव, सर्दी के चलते जताई जा रही मौत की आशंका। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।